मल्टीपल हैकर इन मिनी मिलिशिया। तो भाई यार मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में आज भाई मैं आप लोग को तीन तीन हैकर से मिलाने वाला हूँ, वो भी एक ही मैच के अंदर। हमेशा यार हम लोग के मैच में एक हैकर आता है, बहुत होता है दो हैकर्स आते हैं, लेकिन यार आज मेरे साथ तो गजबी सीन हो गया। तीन तीन हैकर आ गए और तीनों हैकर्स के अलग अलग पावर, जो भाई तीनों आपस में लड़ भी रहे हैं लेकिन तीनों एक दूसरे को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और जितने नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो तो भाई परेशान है। मुझे नहीं समझ में आता ये लोग थोड़ी सी खुशी के लिए गेम को हैक क्यों कर लेते हैं, और हैक करने के बाद इनको इतनी गालियां पड़ती है फिर भी ये नहीं सुधरते हैं। भाई यार अगर आप में से कोई बंदा हैकर हो तो मत हैक करा करो, आप तो भाई थोड़े से मजे के लिए हैक कर लेते हो लेकिन ये सर्वर डाउन हो जाता है, गेम खराब हो जाता है। देखो यार सीन ऐसा होता है कि मैं नो इंटरनेट प्रैंक की वीडियो बनाने का प्लान सोचता हूँ, और ये वीडियो भी मैं नो इंटरनेट प्रैंक वाला ही बना रहा हूँ, लेकिन यार अचानक से हैकरों की जो झुंड आ जाती है मेरा हो जाता है दिमाग खराब। फिर मैं भी भाई हैकरों के बीच में घुस करके कोशिश करता हूँ हैकरों को किल करने का। यहाँ पे देखो ये एक बंदा घूम रहा है, नो हैंड का है, मतलब इसके पास हाथ भी नहीं है। और एक बंदा आ गया दूसरा वाला जो कि इतना ज्यादा खतरनाक वाला है, देख रहे हो कैसे चला रहा है, ये हम लोग का करंट वाला गन चला रहा है। एक और हैकर होता है जो कि इनविजिबल होता है, भाई दीवार के आल पर जा करके मारता रहेगा। देखो ये इनविजिबल वाला हैकर है, भाई तीन तीन हैकर एक ही मैच के अंदर, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे और एक दूसरे को किल कर भी नहीं पा रहे, बस ये उन लोग को परेशान कर रहे हैं जो बंदे नॉर्मल है। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा हैक है भाई, कौन सा मोड मेनू ये लोग यूज कर लेते हैं, कहाँ से मिल जाता है इनको हैक। आप में से अगर किसी भी बंदे को पता होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके नजर में कोई ऐसा हैकर हो तो उसको मना करो कि हैक ना करे। भाई ये कैसे चला रहा है इतना सारा करंट की गोली, भाई एक ही बार में बंदा फिनिश हो जा रहा है, देख रहा इतनी सारी गोलियां चला रहा, प्लस उसके साथ साथ भाई टाइम बम भी फेंके जा रहा। अभी तो ये वॉल के आर पार, देखो ये वॉल के आर पार वाला दूसरा बंदा है, इसके पास तो गन ही नहीं है, बस ऐसे ये घूम घूम के किल कर रहा है। अभी यहाँ पे बचा हूँ मैं और तीन बंदे जो बचे हैं, ये तीनों के तीनों हैकर है आई थिंक, या फिर एक बंदा निकल चुका है, मैं अभी अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बंदा देखो शॉटगन वाला, ये आई थिंक मुझे लग रहा है नॉर्मल है, नहीं भाई ये भी हैकर है, भाई शॉटगन लिया हुआ है, ये भी हैकर है। अभी मैंने इसको गोली चलाया, इसकी हीलिंग्स नहीं खत्म हुई। भाई यार क्या हो रहा है ये मिनी मिलिशिया में तीन तीन हैकर, भाई ये तो गलत ही सीन चल रहा है मिनी मिलिशिया का। ओ भाई मैंने इसे फाइट ले लिया बट इसको मैं किल नहीं कर पाया, इसने कितनी तेजी से भाई अपना गन को घुमाया यार, इसके मूवमेंट देखे तुम लोग ने। अब यहाँ पे भाई सारे बंदे निकल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन बंदे बचे हैं जिसमें से एक हैकर है और दूसरा वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो हैकर है या नॉर्मल प्लेयर। और अभी तक भाई इसने 14 किल कर दिया, आजक नाम का बंदा जो है फर्स्ट नंबर पे, यार लगातार गोलियां चलाया जा रहा है, और ये भी इनविजिबल है भाई, दीवार के आर पार निकल के गोलियां चला रहा है। बाकी दो हैकर्स मुझे लग रहा है वो निकल गए, उनको समझ में आ चुका है कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हैकर इस लॉबी के अंदर है, और वो भाई वो सब किल नहीं निकाल पा रहे थे, उसको किल ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो सब भाई मैच छोड़ के बाहर निकल गए। इसका मतलब ये है कि हैकर दूसरे हैकर को किल नहीं कर पा रहा है, और ये क्या सॉरी बोल रहा है, इसको तो किसी ने गाली वाली कुछ भी नहीं दिया और सॉरी बोलकर मैच लीव कर गया। भाई जब तुम्हें इतनी ही शर्म है, तुम नहीं चाहते हो कि कोई परेशान हो तो सॉरी मत बोलो यार, गेम छोड़ दो ना, मतलब हैक छोड़ दो ना यार, हैकिंग करके क्यों खेलते हो। यहाँ पे भाई बस एक बंदा बचा है, अब इसके साथ मेरी होती है खतरनाक वाली फाइट, तो चलो इसके साथ खेलते हैं मस्त वाला और लेते हैं इनको रिमांड में। तो यहाँ पे भाई रॉकेट लॉन्चर से इसको इजी किल कर दिया, और मैं कोशिश करूंगा भाई रॉकेट लॉन्चर से ही मारूं, और मैं भी जरा चेक करता हूँ मेरे पास भी भाई यहाँ पे करंट वाली गन मिल चुकी है, मेरे में से कितनी गोलियां निकल रही है, एक निकली दो निकली, बस मेरे में से दो ही निकल रही है यार, उसके में से इतना सारा निकला, और यहाँ पे इसको करंट लग चुका है, अब ये फ्लाई नहीं कर पाएगा, देखता हूँ ये कहाँ भाग के जाएगा, ये कोने में चिपका हुआ है, ये बचने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, भाई ये बच के जाएगा कहाँ, रुक जा बेटे मैं तेरे को बताता हूँ, मेरे पास गोलियां कम है, इसको मैं करंट गन से ही किल करने की कोशिश करूंगा, और ये कूदते कूदते वहां पे भाग गया, नीचे कूद जा भाई नीचे गिर जा, लो ये हीलिंग के पास भाग गया। एक अच्छी चीज है कि भाई ये सुसाइड अटेंड नहीं किया, इसने भाई फाइट करने की कोशिश किया। रुको अब इसको मैं रॉकेट लॉन्चर या नेट फेंकता हूँ, नेट से उड़ाएंगे इसको, लो यहाँ पे नेट फेंका, इजी किल हो गया, फ्लाई तो कर नहीं सकता था। तो भाई यहाँ पे बचे हैं 30 सेकंड, और भाई तीन तीन हैकर्स मैच के अंदर आए थे, तीनों के तीनों मैच के बाहर निकल चुके हैं, बस मैं और एक नॉर्मल सा प्लेयर बचा हुआ है, और इसके साथ हो रही है खतरनाक फाइट, फिर से इसको लपेटेंगे हम लोग। अरे कहाँ भाग के जाओगे यार, डुअल मैग्नम ले रखा है, अगर गलती से एक लगा तो कहानी खत्म। ओह भाई भाई दीवार पे लगी गोली और दीवार पे फूटी, ये किल हो गया। 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड में एक किल तो और हम लोग निकाल ही सकते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग भाई हैकर्स की आईडी चेक करेंगे और देखेंगे भाई कि इनके कितने कितने किल है। तो यहाँ पे भाई मैच हो गया ओवर, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इनकी आईडी। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये पहले नंबर वाले बंदे का। तो यहाँ पे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है 97 मैचेस इसने खेला है, 95 विंस है, 250 बार ये किल हुआ है। लेकिन किल हुआ कैसे, ये बंदा भी भाई पक्का हैकर है, 77 मैचेस और 77 विंस। अब भाई इसके बाद ये तीसरा हैकर कौन था इसका मुझे अच्छे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये डॉट वाले बंदे पे डाउट है। ये बंदा भी हो सकता है क्योंकि इसके काफी कम मैचेस है और विंस 4 नहीं, ये हैकर नहीं लग रहा मुझे, ये डॉट वाला बंदा मुझे हैकर लग रहा। और चरण भाई तो मेरे साथ खेल ही रहे थे। तो भाई यार क्या आप लोग ने ऐसे हैकर्स का सामना किया है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई यार क्या आपको पता है डुअल उजी या फिर उजी के साथ मैग्नम गन अगर यूज करे तो दोनों में से कौन सा पावरफुल वेपन है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके राइट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर अभी तक आप लोग ने गर्ल प्रैंक इन मिनी मिलिशिया वाली वीडियो नहीं देखी तो आपके लेफ्ट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना।